अम्मा घनी बाबूजी राज, मेवाड़ नाथ जी ने स्वयं याद किया है आपको। कह तो दिया नहीं मिलना है हमें उनसे, जाकर बोल दीजिए उन्हें। जी बाबूजी राज। हमारी आज्ञा ना मानने का। एक बार आपको दासजीराज का सम्मान नहीं मिला, इतना बुरा लग गया आपको? सोचिए हमें कैसा लगा है जीवन भर, जब हमें एक पुत्र होने का भी सम्मान नहीं मिला। कुमार शक्ति, राणा जी, क्षमा कर दीजिए राणा जी, क्षमा कर दीजिए। बोलिए कुंवर शक्ति, क्या कहना चाहते हैं आप? जाने दीजिए, कुछ देने के लिए इच्छा भी तो होनी चाहिए। कुंवर शक्ति, जब आपके दाजीराज आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो बताइए ना उनसे अपने मन की बात, बोलिए। हम चाहते हैं कि गुरुकुल में हमारे और दादा भाई के बीच होने वाली प्रतियोगिता में जो भी जीते वही आपको उत्तराधिकारी घोषित करें। यदि हम हार गए तो जीवन भर हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, पर यदि हम जीत गए तो आप अपने प्रिय पुत्र को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने का स्वप्न हमेशा के लिए भुला देंगे। दे सकते हैं आप ये वचन? ठीक है कुंवर शक्ति, तो फिर ये तय रहा, जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा उसे। राणा जी, हमारे प्यारे भाभी नरेश, वो समय आ गया है जब इस राज्य के भविष्य को बदलने में आप अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आपको हमारी सहायता करनी है ताकि प्रताप प्रतिस्पर्धा में हार जाए, समझे? अम्मा गणी महाराज, हमें सूचना दी गई कि आप सभी लोग हमसे कोई महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। रावत जी, बोलिए आप सबकी क्या समस्या है? राणा जी, हम और यहां पर उपस्थित मेवाड़ के सभी सामंत अनेक वर्षों से आपके साथ कार्य करते हैं और आज तक हम में से किसी ने भी आपके किसी भी निर्णय पर एक अंश मात्र भी संदेह नहीं, परंतु क्या रावत जी? राणा जी, हमारे किसी भी शब्द को आप अन्यथा ना लें, और यदि जाने अनजाने में हमसे कोई चूक हो जाए कृपया हमें क्षमा कर दें। आपने जिस तरह से अचानक पाउची राज प्रताप के संभावित उत्तराधिकारी ना होने का निर्णय लिया, इस निर्णय ने मेवाड़ की समस्त प्रजा के साथ साथ ना सिर्फ हमारा है बल्कि यहां पर उपस्थित सभी सामंतों का मेवाड़ के भविष्य को लेकर जो एक विश्वास था, उस विश्वास को कहीं ना कहीं डगमगा दिया। युवराज शक्ति के लिए हमारे हृदय में प्रेम है, बल्कि हो सकता है कि वे भी कभी बाऊजी राज प्रताप से बढ़कर योग्य कार्य करके दिखाएं मेवाड़ की प्रगति के लिए। परंतु जहां तक आपके भावी उत्तराधिकारी का प्रश्न है राणा, तो मेवाड़ की समस्त प्रजा के साथ साथ हमारी दृष्टि में भी केवल बाऊजी राज प्रताप में ही
मेवाड़ का भावी नरेश दिखता। राणा जी भाऊजी राज प्रताप ने यह विश्वास अपनी छोटी सी आयु में मातृभूमि के सम्मान और गौरव के लिए अफगानों के विरुद्ध युद्ध में असाधारण योग्यता और वीरता दिखाकर अर्जित किया। और जहां तक प्रश्न रहा इसकी औपचारिक घोषणा का, तो वो आप स्वयं कभी भी उचित समय पर कर सकते हैं। फिर अचानक दोनों राजकुमारों के बीच उत्तराधिकार के लिए इस प्रतियोगिता की आवश्यकता कहां से आ गई राणा जी? क्योंकि इस तरह से हम बाऊजी राज प्रताप पर एक बार फिर उत्तराधिकारी पद के लिए स्वयं को सिद्ध करने का दबाव बना रहे हैं। क्योंकि जो सिद्ध हो चुका है, जिस सत्य को सब जानते हैं, उसके लिए प्रतियोगिता की क्या आवश्यकता है राणा जी? हमारा मतलब आवश्यकता है रावत जी, आवश्यकता है न्याय की, आवश्यकता है मर्यादा की, आवश्यकता है राजधर्म के निर्णयों को निजी प्रेम से दूर रखने की। रावत जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं और हमारे सबसे प्रिय पुत्र भी, परंतु राज्य के उत्तराधिकारी जैसा महत्वपूर्ण निर्णय मात्र जन लोकप्रियता के आधार पर नहीं लिया जा सकता। न्याय की मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है और न्याय की मर्यादा कहती है कि कुंवर शक्ति भी हमारे पुत्र हैं और अपना उत्तराधिकार साबित करने के लिए उन्हें भी समान अवसर मिलना चाहिए। और वैसे भी अगर निर्णय लेते समय हमने अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुना तो कभी भी अपने आप से दृष्टि नहीं मिला पाएंगे। आप सबकी बात ना मानने का हमें भी खेद है, परंतु जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। और यही हमारी परंपरा है। ये क्या निर्णय ले लिया हमारे महाराणा ने? हाँ वही तो, अचानक ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई प्रतियोगिता की? सुनो भाई, क्या सचमुच अब मेवाड़ के राज सिंहासन के लिए दोनों राजकुमारों के बीच प्रतियोगिता होगी? हाँ, हमने भी यही सुना है। ये शुभ संकेत नहीं है शांतनु। राजनीति को सदैव शिक्षा से दूर रखना चाहिए, नहीं तो वही होता है जैसा कि हो रहा है। जिस प्रकार कुंवर शक्ति और कुंवर प्रताप के बीच की प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा जैसी पवित्र चीज को राजनीति का उपकरण मात्र बना दिया, ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर मारे खुशी के पागल हो जाओगे। क्या खबर है बोलो, हमें काम भी करना है। बोलो। शक्ति और प्रताप दोनों के बीच कौन महाराणा उदय सिंह के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा, इसके लिए सरेआम एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो ये प्रतियोगिता जीतेगा प्रजा के सामने उसे मेवाड़ के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। और क्या बोले? और बोले। महाराणा उदय सिंह जी ने मेवाड़ की प्रजा को यह प्रतियोगिता देखने के लिए आमंत्रित किया है। बहुत खूब। बहुत खूब। मेवाड़ की प्रजा को प्रतियोगिता देखने के लिए आमंत्रित किया है। इकसठ, बासठ, तिरसठ। बस अब हमसे और नहीं होगा। प्रयास कीजिए दादा भाई। अम्मा बड़ी छोटी पास विजयी भावा, यशस्वी भावा, कीर्तिवान भावा। इतना जल्दी थक गया, इतना जल्दी आपने अपने आप से हार मान ली। आपको अपने शरीर की एक एक नस, एक एक शीरा को इतना खींचना है, इतना निचोड़ना है कि जब आपका कुंवर प्रताप से सामना हो
तो आपके शरीर का एक भी तंतु हार ना माने। कुंवर शक्ति, आप जानते हैं ना कि आपको कितना बड़ा अवसर मिला है। दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यदि आप विजयी हो गए तो मेवाड़ नरेश बन जाएंगे, आपकी रानी मां महारानी सा बन जाएंगी। और यदि आप हार गए ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुंवर प्रताप को मेवाड़ की प्रजा के सामने, राणा जी के सामने हराने का यह अवसर आपको मिला है। मेवाड़ की राजगद्दी के लिए हम अपने प्रिय भाई शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते रानी मां। प्रजा की सेवा के लिए भला राजगद्दी की क्या आवश्यकता है। हम तो उनके लिए वैसे भी वे जो चाहे कर सकते हैं। फिर दाजीराज ने ऐसा निर्णय क्यों लिया रानी मां? कर देते भाई शक्ति को ही सीधे सीधे अपना उत्तराधिकारी घोषित। अपने भाई के प्रति स्नेह अच्छी बात है बेटा, लेकिन भावनाओं में बहकर राजधर्म को बुलाना कायरता का पहला पग बन जाता है। चाहे युद्ध हो चाहे कोई प्रतियोगिता, राजपूत पीछे हटना नहीं जानता, राजपूत हारना नहीं जानता। फिर आप कैसे पीछे हटने जैसी बातें कर रहे हैं ब्रता? और एक बार अपने भाई के लिए प्रेम को अलग करके सोचे तो ये सच आप भी मन में जानते हैं कि शक्ति ऐसे राजा बन ही नहीं सकते जैसे मेवाड़ की प्रजा चाहती है। वैसा राजा जो अपने से पहले प्रजा के लिए सोचे, वैसा राजा जो सबको प्रसन्न करके ही स्वयं प्रसन्न हो जाए। और शक्ति वैसे है ही नहीं, ये बात जानते आप ही हैं। मेवाड़ की प्रजा आपको अपने राजा के रूप में देखना चाहती है। आप में वे मेवाड़ का उज्जवल भविष्य और दमकता गौरव देखती है। एक बार महल के बाहर निकलकर तो देखिए, कितना प्रेम करते हैं सब आपसे, कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं वे आपको। इसलिए ये समय भावना में बहने का नहीं। आपके आचार्य गुरु राघवेंद्र जी ने जो आपको सिखाया है उसे याद करिए, और प्रतियोगिता में शक्ति को हराकर अपने गुरु, अपने दाजीराज और मेवाड़ की प्रजा को प्रसन्न करें। इन्हीं के आशीर्वाद से आपको मेवाड़ का भविष्य लिखना है, नया इतिहास रचना है। और विश्वास कीजिए, आपके दाजीराज भी यही चाहते हैं। चाहने दो, जो वे चाहते हैं उन्हें चाहने दो, पर आपको और शक्ति, आप अपनी इच्छा शक्ति से वो कर दिखाइए जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। बस एक बार अपनी आत्मा की सारी शक्ति लगाकर हरा दीजिए प्रताप को, फिर देखना सारा मेवाड़ प्रताप के बजाय आपकी जय जयकार कैसे करता है। एक सच्चे राजपूत के लिए इससे बड़ी सम्मान की बात और क्या हो सकती है कि वो उसे हरा दे जिसे हर कोई अजय माने। बताइए कुंवर शक्ति, इससे बड़े सम्मान की और कोई बात हो सकती है? नहीं छोटी माँ, पर हमें आज तक लगता था कि आप दादा भाई को हमसे अधिक चाहती हैं। फिर अचानक आज हमसे आप ये सब क्यों कह रही हैं? प्रश्न चुभने वाला है पर सही पूछा, और ऐसा चुभता हुआ प्रश्न एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। आप बुद्धिमान है कुंवर शक्ति, और इसीलिए हम आपके प्रश्न का उत्तर झूठ में नहीं देंगे। हाँ, कुंवर प्रताप के प्रेम में हम अंधे हो गए थे, इतने अंधे कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता था। हमने देखा कि आप भी हैं, आप भी अपना विकास कर रहे हैं और कोई आपका बढ़ना नहीं देख रहा। पर एक लिंग जी की कृपा अंधों को भी दृष्टि दे देती है कुंवर शक्ति, हमें भी दी। और हमने देखा कि आप कुंवर प्रताप से किसी भी बात में कम नहीं हैं। आज इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के पहले आकर आपका उत्साह बढ़ाकर हम आप पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रायश्चित कर रहे हैं कुंवर शक्ति, आपको आपका हक न देने का प्रायश्चित। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जीत कर आए। यदि आप जीत गए तो हमें लगेगा कि
हमारा प्रायश्चित पूरा हो गया। चिंता मत कीजिए छोटी मासा, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम हरा के दिखा देंगे दादा भाई को और दाजीराज को भी दिखा देंगे कि आज तक उन्होंने एक गलत घोड़े पर विश्वास किया था। हम समझ गए रानी माँ, यदि भाई शक्ति को हराकर प्रतियोगिता जीतने में ही मातृभूमि का हित छुपा है तो हम मातृभूमि के लिए, मेवार की प्रजा के लिए, दाजीराज और आपके लिए, आपके आशीर्वाद से ये प्रतियोगिता हम अवश्य जीतेंगे रानी माँ। इसके लिए चाहे फिर हमें अपना मन क्यों ना मारना पड़े। विजय भावा, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, प्रतियोगिता का सिर्फ एक दिन रह गया है, 1000 आदमी आने वाले हैं यहाँ देखने के लिए। और ये क्या है, ये महाराणा का तख्ता इतना नीचे क्यों बांधा? मौत आई है क्या तुम लोगों की? मेवाड़ के महाराणा की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे देखने वाले? पूछा करो ऐसे। हुक्म, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और मेरा ये कारीगर, हम दोनों मिलकर बना देंगे आपकी झंडा फेराने वाली मीनार। कौन हो तुम? हम तो गरीब मजदूर हैं हुकुम। रख लीजिए ध्यानचंद जी, ये आदमी बहुत मेहनती बहुत ईमानदार हैं। ये हमारे साथ काफी दिनों से काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो काम बहुत होशियारी से करना है और काम करते समय मेवाड़ के ध्वज को बहुत सावधानी से रखना, क्योंकि यही ध्वज उठाकर जो भी राजकुमार जीतेंगे वो जनता में अपनी जीत का परचम देंगे। समझ गए? किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। हुकम, आपको शिकायत का मौका नहीं आने देंगे। चलो ठीक है, इनकी तलाशी लो और अंदर जाने दो। कोकोया जी, कुंवर जगमल अभी तक तैयार नहीं हुए। हमारे कुंवर जगमल साहब तो पहली बार कुल देवता के दर्शन के लिए एकदम से तैयार है। हमने आपसे कहा था ना कि कुंवर जगमल को लाल रंग के कपड़े पहना, फिर ये क्या है, आपने सुना नहीं था? जी रानी साहब, हमें लगा कि आज के दिन के लिए कैसे रंग शुभ रहेगा। जो हम कहें उसे करने की कोशिश कीजिए। जाइए, कुंवर जगमल को लाल कपड़े पहना के लाइए। छोटी माँ, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। सदा समय पर आते हैं आप कुंवर प्रताप। हम जानते हैं कि कल आपकी बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है और आज अभ्यास के बीच हम आपको हमारे साथ मंदिर चलने को कह रहे हैं। हम बस इतना चाहते थे कि आप कुल देवता का आशीर्वाद ले लें प्रतियोगिता से पहले, इसीलिए। कोई बात नहीं छोटी माँ, हम मंदिर से आकर अभ्यास कर लेंगे। चलो फिर चलते हैं। वो छोटी माँ, हम अपने साथ सोम को भी ले चले। वो क्या है कि हम अभ्यास में बहुत व्यस्त रहते हैं ना, तो उन्हें हमारे साथ रहने का समय ही नहीं मिल पाता। हम ले लें उन्हें भी। ठीक है, ले लीजिए, हम अभी उसे लेकर आते हैं। कितना सुंदर लग रहा है हमारा जगमाल, है ना? हाँ। रानी साहब, हमारे साथ कावजीराज क्यों चल रहे हैं? इतना भी नहीं समझी आजी। आज हमारे छोटे से कुंवर जगमाल हमारी सहायता करने वाले हैं। उनकी सहायता से हम कुंवर प्रताप के हाथ पैर जो तुड़वाएंगे, ताकि वो कल की प्रतियोगिता में हिस्सा ही ना ले सके। आज हमारे छोटे से राजकुमार पहली बार अपनी माँ की योजना में हाथ बटाने वाले हैं। निकाल रहे हो? चलो चलो हाँ चलो, बस काम होने वाला है।
कुछ ही दिनों पहले की तो बात है प्रताप, इसी झंडे को फहराने के लिए तुमने मुझे यानी शम्स खान को बर्बाद किया था। इस बात का मैंने पुख्ता इंतजाम कर दिया है, यही झंडा तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा।